या मास 2m, एक 4m की बॉडी है 2m से कोलिजन करती है, जो कि 2m पहले से रेस्ट में है यार। अब कहता है कोलिजन हेड ऑन इलास्टिक है, ठीक है, ये पहले बता दिया कि इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस बाय द कोलाइडिंग बॉडी, कोलिजन के बाद हमको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में जो पहली बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी, अगर दो बॉडी कोलिजन करती है और कोलिजन इलास्टिकली होता है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। अब ये 4m की है और ये 2m की है, जो कि पहले से रेस्ट में है, ठीक है। आपको पता है कि कोलिजन से काइनेटिक इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है टोटल, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद, पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, पार्टिकल की वेलोसिटी बदल जाती है यार, ठीक है। तो यहाँ से ये आ रहा था, कितनी वेलोसिटी से आ रहा था, ये बॉडी ऑफ मास स्पीड u से आ रहा था, ठीक है, स्पीड u से आ रहा था और वो पहले से ही रेस्ट में था, और कोलिजन हेड ऑन है और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग ए, जो ए नाम का बॉडी है ए और बी से अगर कोलिजन करता है तो ए अपनी वेलोसिटी कम कर देता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी ए की कम हो जाती है, तो कितना फ्रैक्शन कम हुआ, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, कैसे निकाला जाए, तो फ्रैक्शन मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाय एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी जिसका हमें निकालना है। तो पहले वाली की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पहले वाली की चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हमारा टारगेट है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो निकालना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, ठीक है, इट्स वेरी इजी टू फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर, और हाफ एम यू स्क्वायर मतलब हाफ एम इसका 4m और u का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 2, इसका मतलब ये आ जाएगा 2m u स्क्वायर, दैट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की, इसका मतलब ये हुआ। अब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, इलास्टिक कोलिजन में आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर नहीं याद है फिर मोमेंटम कंजर्व कराओ, ठीक है। इसका आप मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो मोमेंटम कंजर्व कराने के बाद एक और अलग से वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ये कितने से जा रहा है, ठीक है। या नहीं तो आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट लगा दो, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ द फर्स्ट बॉडी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 फार्मूला, और मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस 2 टाइम्स m2 u2 और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस m1 प्लस m2, ठीक है। ये फार्मूला आपको थियरी में पढ़ाया जाता है और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी वाली बॉडी रेस्ट में थी तो ये पूरा फ्रैक्शन जीरो चला गया, तो फाइनल वेलोसिटी पहले कोलिजन के बाद जो ए नाम की बॉडी है उसकी कितनी वेलोसिटी आएगी, तभी तो मैं उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल पाऊंगा भाई। तो इसका मतलब पहले बॉडी की मास 4m थी और माइनस 2m, दूसरे बॉडी का मास कितना था 2m डिवाइडेड बाई 6m, ठीक है, और मल्टीप्लाइड कर दूं इनिशियल वेलोसिटी u से और ये जीरो चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, ठीक है, 2 और m ने m को खत्म कर दिया, मतलब ये आ जाएगा u बाई 3। तो u बाई 3 जो है वो पहले वाली की वेलोसिटी हो गई कोलिजन के बाद, देख रहे हो कम हो गई, पहले कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी u थी, कोलिजन के बाद अपनी वेलोसिटी लूज कर दिया, किसको दे दिया इसको, ठीक है। चलो तो अब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होती है, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इसका मास एम 4m और इसकी वेलोसिटी u स्क्वायर अपन 9, तो ये इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 2m u स्क्वायर अपन 9, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल घटा दो, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना आया, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज आया 2m u स्क्वायर अपन 9 और माइनस ये आ जाएगा 2m u स्क्वायर, ठीक है। तो 2m u स्क्वायर जो है फाइनली ये जो चेंज आ जाएगा फाइनल में से इसकी इनिशियल घटा दो 18 और ये आ जाएगा 16, ठीक है ना, माइनस 16 m u स्क्वायर अपन 9। माइनस बता रहा है कि ऑब्वियसली जो है जो काइनेटिक एनर्जी है पहले की डिक्रीज हुई है इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है।
चलो तो अब इसमें इनिशियल से डिवाइड कर दें और रेशियो आ जाएगा। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल जितनी थी इसकी, तो यह आ जाएगा 16, ठीक है, 16 एम यू स्क्वायर अपॉन 9, माइनस साइन को इग्नोर कर दो। इनिशियल कितना था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी थी 2 mu square, तो mu square ने mu square को ख़त्म कर दिया और यह आ जाएगा 16 upon 18 मतलब यह आ जाएगा 8/9। दिस इज द फ्रैक्शन दैट पहली जो बॉडी है इतनी फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी लूज करेगी या लॉस करेगी। परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है, कभी कभी परसेंटेज पूछ देता है कितना परसेंट लॉस हुआ, मतलब 8/9 मतलब ये हम लोगों का जो है ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, अगर परसेंटेज निकालना इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक और तरीका इतना सारा करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट, अगर थियरी आपको डिटेल में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, आपको अगर थियरी डिटेल में पढ़े होगे तो इसको आप डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है, डायरेक्ट आपको पता है कि थियरी के कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट इस टाइप के केस में जो काइनेटिक एनर्जी की लॉस होती है वो 4 times m1 m2 एंड डिवाइडेड बाई m1 plus m2 का स्क्वायर। दिस इज द लॉस ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन सच टाइप ऑफ केस। इलास्टिक कोलिजन जहाँ पहली बॉडी रेस्ट में हो और दूसरी बॉडी, पहली बॉडी रेस्ट में हो और दूसरी बॉडी जो है वो कोलिजन करती है, ठीक है, पहली बॉडी रेस्ट में हो और ठीक है एक बॉडी रेस्ट में हो और दूसरी उसे कोलिजन करती है, तो कितने फ्रैक्शन या परसेंटेज हम डायरेक्ट इससे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज आ जाता है। अभी हमें परसेंटेज नहीं चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई पहले वाले की मास कितनी थी 4m, दूसरे वाले की मास कितनी थी 2m, डिवाइडेड बाई 636 का m का स्क्वायर, तो m स्क्वायर ने m स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, ठीक है, और यह आ जाएगा 18, ठीक है, और यह आ जाएगा 16/18 मतलब 8/9, ठीक है। तो ये इसीलिए कहते हैं मेडिकल वाले कि कुछ अच्छे रिजल्ट जो होते हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, उनको याद कर लोगे तो तुम्हें